हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसके एक शहर में हर किसी को हर समय हंसना ही होता है। दुनिया का वो देश है जिसे दो देशों ने अलग अलग चारों तरफ से घेर रखा है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया में सबसे डेवलप देशों में माना जाता है। यहाँ अगर आपने पिज्जा खा लिया तो कहीं और का पिज्जा खाने का आपका मन ही नहीं करेगा यार। और यहाँ बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ जानवर पालने के लिए भी कानून बनाया गया है। और यहाँ लड़कियां आए हाय हाय मानो एकदम हूर की परी हैं। दोस्तों, चलिए बता देता हूँ आज हम कहाँ चलने वाले हैं। दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के सबसे खूबसूरत देश इटली के सफर पर। तो चलिए एक साथ चलते हैं इटली देश के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान में इटली की कुल जनसंख्या तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है। धर्म की बात करें तो इटली ऑफिशियल तौर पर सेकुलर देश है, लेकिन यहाँ के लोग और समाज दोनों ही रोमन कैथोलिक परंपरा से गहराई से प्रभावित है। वहीं यहाँ सबसे ज्यादा इटालियन भाषा बोली जाती है। इटली की राजधानी शहर है रोम, जिसे एटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बता दें कि रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है और ये सन 1871 में इटली की राजधानी बना। इटली इकलौता ऐसा देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए, और ये दो देश है वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। यस, वेटिकन सिटी इटली देश के राजधानी शहर रोम के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा नियम भी है जिसे सुनने के बाद ना आपको जानवर पालने से डर लगेगा। कहा जाता है कि इस देश में अगर आपने किसी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में 3 बार तो घुमाने के लिए ले जाना होगा। और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया ना, तो समझिए आपको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भला ऐसा कौन सा देश है जहां लड़के स्कर्ट पहनते हैं यार। देखो दोस्तों, पहनते तो कहीं नहीं है, लेकिन कहीं पहनना मना नहीं है, है ना, समझे ना आप। अगर आप अपने देश में स्कर्ट पहन के घूमोगे तो हो सकता है कि कोई आपके ऊपर हंस दे, कोई आपका वीडियो बना, लेकिन आपके ऊपर कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकती ना। लेकिन इटली में ये पूरी तरह से बैंड है। स्कर्ट पहन के निकले तो सीधे जेल जाओगे, घर वापस नहीं आओगे। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी को मरना मना है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस शहर का नाम है फल्सियानो डेल मासिको। यहां पर मरना बैन है क्योंकि यहां लोगों को दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। अब मरने वालों को पता कैसे होगा कि वो मर रहा है, अजीब बात है भाई। इटली को दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में से एक माना जाता है और यहां के लोग अपने देश को दिल से सम्मान करते हैं। और यहां के लोग देश के छोटे से लेकर बड़े नियम तक बड़े ही दिल से फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि जब देश की सरकार लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है तो इन्हें भी तो सारे नियम कानून मानने ही होंगे ना। बात भी सही है यार। दोस्तों, इटली के ज्यादातर लोग ना टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इटली ने बहुत कामयाबी हासिल की है। दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है फिएट, जो कि इटली की कंपनी है। इसके अलावा भी 61.9% लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं। वहीं इटली टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ज्यादा इनकम टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एजुकेशन के मामले में इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आज की तारीख में इटली की लिटरेसी रेट 99.94% है और यहाँ की बोलोगना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये देश इतना डेवलप्ड है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, शौक मत होइए, ये बात सच है। इतना डेवलप्ड होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे इसका राज जो है इटली के लोग ही बता सकते हैं। खैर दोस्तों, किसी और चीज में सिमिलैरिटीज हो ना हो, लेकिन एक चीज में इटली और भारत बिल्कुल एक जैसे हैं, और वो है अंधविश्वास। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू चला देना तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती है। यहाँ भी बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग रुक जाते हैं कि भैया कुछ बुरा ना हो जाए। इटली दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है दोस्तों जहाँ पर आपको 17 नंबर की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। यानी कि किसी भी होटल में 17वां फ्लोर नहीं होता है, किसी भी सोसाइटी में मकान नंबर 17 नहीं होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप रोमन में 17 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है आई हैव लिव्ड, यानी कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। इटली में लोगों को फुटबॉल का बहुत ही क्रेज है यार। यहाँ पर आपको हर एक यंगस्टर फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ मिलेगा। आपने इटली के सीरी ए लीग के बारे में तो सुना ही होगा। इस लीग में दुनिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अब दोस्तों, जब बात खेल की हो ही रही है तो चलिए आपको इससे जुड़े हुए और भी एक मजेदार किस्सा बता देते हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश क्रिकेट को कितना ज्यादा पसंद करता है। हमारे यहाँ आप अगर किसी से भी पूछेंगे ना नो बॉल का मतलब क्या होता है तो आपको 1 मिनट में बता देगा और समझा भी देगा। लेकिन इटली में आप नो बॉल नहीं बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली में नो बॉल का मतलब होता है आप कमजोर इंसान है, आपके बस की बात नहीं है, आप किसी भी लायक नहीं हो, निठल्ले हो आप। अगर आपने नो बॉल कहा ना तो कानूनी तौर पर आप एक अपराधी कहलाएंगे और आपको कैद या फिर $1,000 का फाइन लगा दिया जाएगा। पूरे यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा
ज्यादा भूकंप होते हैं। बस इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है, और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई करीबन 57 किलोमीटर है वो भी इटली में ही है। इसका नाम है लोटसबर्ग बेस टनल, जो कि स्विट्जरलैंड से इटली तक फैली हुई है। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई है? अरे यार, इटली देश से हुई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत इस देश में 18वीं सेंचुरी से ही हो गई थी। अब कहने का मतलब यह है कि दुनिया को कई सारी खाने की चीजें इस देश ने दी है, तभी तो इस कंट्री का पिज्जा सबसे स्पेशल पिज्जा माना जाता है। पिज्जा के अलावा इटली के लोग पास्ता और रिसोटो खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इटली की गॉरमेट फूड और व्हाइट ट्रफल को इंटरनेशनल पहचान भी मिली हुई है। हालांकि ये ट्रफल इटली में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही मिलती है। अब लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है, और यहाँ की बनी शराब कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है, और यहाँ की शराब की क्वालिटी क्या ही कहना यार, द बेस्ट मानी जाती है। एक बार पियोगे फिर रुकोगे नहीं, आई मीन उसे इतना ज्यादा भी नहीं पीना है। खैर, यहाँ परिवारों के लिए एक साथ शराब बनाने और परिवार के सभी फेस्टिवल्स में इसे पीने की परंपरा है। अब दोस्तों इटली की लड़कियों को ना बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है। आमतौर पर यहाँ की लड़कियाँ लंबी होती हैं और ये बहुत ही फिट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को देखने के बाद ना उनके ऊपर दिल नहीं आया तो समझो कि आपके अंदर दिल नहीं है, बाकी लड़कियों में कोई कमी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती हैं, जिसका मतलब होता है कि ये आपकी अच्छी दोस्त बन जाती हैं, और अगर आप चाहो तो दोस्ती से आगे भी बढ़ सकते हो, ये आपकी स्किल के ऊपर है। खैर, अब दोस्तों इस देश के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में लव मैरिज का बड़ा ही चलन है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में प्यार भी हद से ज्यादा होता है। ये लोग एक रिलेशन के लिए कमिटेड होते हैं, और तो और यहाँ स्कूल से ही बच्चे अपने बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड को लेकर सीरियस होते हैं। दोस्तों लगता है इटली तो जैसे ना नियम से ही बंधा हुआ है। इस देश का सबसे बड़ा ही खूबसूरत शहर वेनिस में एक नियम ऐसा है कि शहर में सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही बोट होना चाहिए। अगर आप किसी और रंग का बोट खरीदेंगे और वेनिस शहर के नदी में चलाएंगे ना, तो आपको 3 साल की कैद में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बोट चलाने पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया जाएगा, और यहाँ पर सारे के सारे बोट आपको ब्लैक कलर में ही नजर आएंगे। इस देश का एक और नियम है जो आपको हैरान कर देगा। इटली में मिलान शहर है तो आपके चेहरे पर ना स्माइल होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और ये दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ हंसना जरूरी है। शायद इसके पीछे का लॉजिक ये कि लोग हमेशा हंसते रहे तो खुश रहेंगे, सीधी बात है। हालांकि ये नियम किसी की मौत में या हॉस्पिटल में लागू नहीं होता है। दोस्तों इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल इस देश में करीबन बाहर से 5 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलर देश है, और यूरोप में भी 5th नंबर पर आता है। इटली देश का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इटली के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम की। इस शहर की स्थापना 2773 साल पहले की गई थी। शहर की कुल आबादी करीबन 30 लाख है, और यहां दुनिया भर के लोग आते हैं। रोम का सबसे पॉपुलर स्पॉट है कोलोसियम, जो कि एक एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इस इमारत को रोमन एम्पायर ने बनाया था, और साथ ही साथ आप रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका देख सकते हैं, जो दुनिया की सबसे चर्चित और भव्य इमारतों में से एक है। रोम के बारे में कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में जाते हैं तो वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। इसके अलावा वेनिस कैनाल्स यहाँ का एक और शानदार जगह है जहाँ आप जरूर जाएगा, इसे मिस मत करेगा, बता रहा हूँ मैं। इस जगह को आपने सैकड़ों बार बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत कैनाल है, और दोनों तरफ घर है, और बीच में आप ले रहे हैं बेहतरीन सी बोट राइड। यहाँ सैकड़ों सालों से लोग इस स्पेशल फीलिंग वाली बोट राइड लेने के लिए जरूर आते हैं। लेक कोमो, ये भी दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक व्यूज में से एक है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। नेपल्स दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और इटली की कंपनियां इस क्षेत्र में स्थित हैं। नेपल्स में घूमने लायक जगहों में शामिल है माउंट वेसुवियस, कैस्टल डेल ओवो और रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स। इटली आए और पीसा टावर नहीं देखा तो क्या खाक ही इटली आए, और क्या खाक ही कुछ देखा। ये अर्नो नदी के किनारे स्थित है। पीसा एक लीनिंग टावर है, इसके आसपास कई इमारतें हैं जो एकदम सीधी हैं। वहीं इसके बीच टेढ़ी सी ये इमारत वाकई में बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। ये झुकी हुई मीनार बनाने की शुरुआत की गई थी सन 1173 में, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में लगे 200 साल। निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती जा रही है, और इसी झुकने की वजह से ही ये दुनिया भर में भी मशहूर रही है। तो दोस्तों ये था दुनिया के सपनों का शहर इटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको इटली की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे कि आप कभी इटली गए, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।